जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूछना चाहती है लोगों से इन अपराधियों के प्रति, इन माफियाओं के प्रति किस प्रकार की दरियादिली। अरे दरियादिली दिखाने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दिखाओ ने, 24 करोड़ की जनता। 22 साल के बच्चे के मन में होगा जो टोपी पहन करके कहता है अरे साहब मम्मी गुंडा, और प्रदेश के माहौल को डरावना बना दी। अब तो कोई संगठित अपराध, अपराधी, माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में, मैं हूँ नीतीश पाठक। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के आतंक से सब वाकिफ हैं। इसकी कहानी सीएम योगी से जुड़ी हुई है। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था। उसी समय मुख्तार पर दंगों को भड़काने का आरोप लगा हुआ था। इन दंगों के बाद 2006 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि वह मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। जब वह गोरखपुर से मऊ जिले के लिए निकले तो उन्हें दोहरी घाट में ही रोक दिया गया था। इसके 3 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। दिन तय हुआ 7 सितंबर 2008, जगह डीएवी कॉलेज का मैदान। सीएम योगी उसमें मुख्य प्रवक्ता थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए टीम योगी पहले से ही तैयार थी। काफिले में योगी की लाल एसयूवी 7वें नंबर पर थी। आजमगढ़ के करीब पहुंचने तक काफिले में करीब 4 पहिया वाहन 100 की संख्या में थे और सैकड़ों की संख्या में बाइक जुड़ चुकी थी। एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी यानी कि सीएम योगी गाड़ी पर हमला हुआ। योगी काफिले पर हमला हो चुका था और हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि उन पर किसने हमला करवाया था। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसने भी गोली मारी है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा उसी भाषा में। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि यह सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पिछले कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्तार अंसारी को लेकर सीएम योगी खूब गरजे थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं। गोरखपुर योगी का क्षेत्र हुआ करता था तो गाजीपुर मऊ मुख्तार का। पूर्वांचल में मुख्तार बनाम ब्रिजेश सिंह के बीच सियासी वर्चस्व की जंग रही। ऐसे में साल 2005 में मऊ में हुए सांप्रदायिक दंगे के चलते योगी और मुख्तार के बीच भी सियासी जंग छिड़ गई, क्योंकि योगी खुद को हिंदुत्व का नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रहे थे और गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे और बीजेपी के सांसद भी थे। योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के सत्ता पर विराजमान होते ही मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जाने लगा। हालांकि मुख्तार 17 सालों से जेल में बंद है, इसके बाद भी उनका राजनीतिक रसूख बरकरार रहा, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्तार के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई की जा रही है और मुख्तार और उनके करीबियों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं और कई बेनामी संपत्तियां जब्त कर ली गई है। परिवार के लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है और मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्तार की यूपी वापसी हो गई है। तो इस प्रकार के योगी बनाम मुख्तार को कैसे देखते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।